नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कई बार डिफरेंस हो जाता है अल्टरनेटिंग एक्शन एंड सेकेंडरी एक्शन में। जैसे हमने प्राइमरी एक्शन सेकेंडरी एक्शन में डिफरेंस देखा था, वैसे अल्टरनेटिंग एक्शन एंड सेकेंडरी एक्शन में क्या अंतर है। तो आपको पता ही है कि अल्टरनेटिंग एक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब हम प्राइमरी एक्शन का एक टाइप होता है जिसमें मेडिसिन का एक्शन वाइटल फोर्स पे होता है, जबकि हम सेकेंडरी एक्शन की बात करेंगे तो वो रिएक्शन ऑफ वाइटल फोर्स होता है। जब आपका मेडिसिन वाइटल फोर्स पे काम करेगा तो वाइटल फोर्स का जो रिएक्शन होता है वो कैसा होता है, तो रिएक्शन ऑफ वाइटल फोर्स आपको मिलता है सेकेंडरी एक्शन में। तो पहले हम देखते हैं अल्टरनेटिंग एक्शन। अल्टरनेटिंग एक्शन मतलब क्या है? अल्टरनेटिंग एक्शन इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी एक्शन, प्राइमरी एक्शन का टाइप है। एंड इसमें हमको क्या मिलते हैं, प्राइमरी एक्शन के बहुत सारे एपिसोड्स मिलते हैं और अल्टरनेट विथ इच अदर, जो बिल्कुल अल्टरनेट होते हैं, आएगा जाएगा फिर आएगा, अल्टरनेट होते हैं। ठीक है, तो ये है टाइप ऑफ प्राइमरी एक्शन का, और इसमें हमको एपिसोड्स मिलते हैं प्राइमरी एक्शन के। जब हमको प्राइमरी एक्शन के एपिसोड्स मिलेंगे तभी हम क्या बोलेंगे उसको, अल्टरनेटिव एक्शन बोलेंगे। यदि हम सेकेंडरी एक्शन की बात करते हैं तो ये ऑटोमेटिक एंड डिफेंसिव रिएक्शन ऑफ वाइटल फोर्स अगेंस्ट प्राइमरी एक्शन, प्राइमरी एक्शन के अगेंस्ट होता है डिफेंसिव एंड प्रोटेक्टिव, डिफेंसिव एंड या ऑटोमेटिक एंड डिफेंसिव। ऑटोमेटिक होता है जैसी मेडिसिन एक्ट करेगी वाइटल फोर्स अपना रिएक्शन दिखाएगा, क्योंकि एक्शन होगा, मेडिसिन एक्शन होगा तभी वो रिएक्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो रिएक्ट करेगा। डिफेंसिव रिएक्ट करेगा किसमें, प्राइमरी एक्शन के, क्योंकि जो एक्शन हो रहा है मेडिसिन प्राइमरी एक्शन बोलते हैं, उसके अगेंस्ट एक्शन होता है, तो इट इज ऑटोमेटिक डिफेंसिव रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ वाइटल फोर्स अगेंस्ट प्राइमरी एक्शन। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें जो सिम्टम्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बाय अल्टरनेटिंग एक्शन, वो अपियर होंगे एंड डिसअपियर होंगे रैपिड वे में, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। लेकिन सिम्टम ऑफ सेकेंडरी एक्शन की हम बात करेंगे तो इसमें अपियर होंगे सेकेंडरी एक्शन में, वो कैसे होंगे, हो सकते हैं आइदर फॉर लॉन्ग टाइम या इफ गो और इफ गो दे गो अवे फ्रॉम अवे अवे फॉर एवर। ठीक है, क्योंकि अपन ने देखा है कि इसमें जो सेकेंडरी काउंटर एक्शन देखा है और क्यूरेटिव एक्शन देखा है, उसी बेस से बता रहा है कि इसमें जो सिम्टम अपेयर होंगे सेकेंडरी जो एक्शन होता है जिसमें वाइटल फोर्स रिएक्ट करता है उसमें सिम्टम प्रोड्यूस होंगे, तो सिम्टम अपेयर इन सेकेंडरी एक्शन आइदर लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, जो सिम्टम होंगे लॉन्ग टाइम के लिए होंगे, या और इफ गो मतलब दे गो अवे फ्रॉम एवर, दे गो अवे फ्रॉम एवर, हमेशा के लिए चले जाएंगे या लॉन्ग टाइम के लिए रहेंगे। इसमें सिम्टम आएगा जाएगा, सिम्टम आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। इसमें सिम्टम आएंगे तो लॉन्ग टाइम के लिए हो सकते हैं या दे गो अवे फ्रॉम एवर। ठीक है, अवे फ्रॉम एवर। आगे बात करते हैं, ये जो अल्टरनेटिव एक्शन होता है ड्रग एक्शन, एक्शन ऑफ ड्रग होता है वाइटल फोर्स पे, अपन ने बताया ही प्राइमरी एक्शन टाइप का ही है। इसमें क्या होता है, रिएक्शन ऑफ वाइटल फोर्स होता है, डिफरेंस की बात करेंगे तो कैसा होता है, रिएक्शन ऑफ वाइटल फोर्स होता है सेकेंडरी एक्शन, सभी को पता है। आगे बात करेंगे, द पावर टू प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग एक्शन इज पोसेस्ड बाय ओनली फ्यू ड्रग, फ्यू ड्रग में ही क्वालिटी होती है जो अल्टरनेटिव एक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी एक्शन विल अकर वेन एवर देयर इज प्राइम, मतलब जब कभी भी प्राइमरी एक्शन होता है, जब कभी भी प्राइमरी एक्शन होगा तो सेकेंडरी एक्शन तो होना ही है, क्योंकि प्राइमरी एक्शन होगा तभी तो वाइटल फोर्स, मतलब वाइटल फोर्स को रिएक्ट तभी होगा जब उसमें प्राइमरी एक्शन होगा, तो मेडिसिन एक्शन करेगी, तो जब हमेशा जब भी प्राइमरी एक्शन होगा तो सेकेंडरी एक्शन होगा, विल सेकेंडरी एक्शन विल अकर वेन एवर देयर इज अ प्राइमरी, देयर इज प्राइमरी, प्राइमरी एक्शन होगा तो सेकेंडरी एक्शन होगा ही होगा। इसमें कुछ ड्रग ही होती हैं जो अल्टरनेटिव एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। आगे बात करते हैं, इफ इफ ड्रग हैज पावर ऑफ प्रोड्यूसिंग, पावर टू प्रोड्यूसिंग अल्टरनेट, मतलब अल्टरनेटिव एक्शन प्रोड्यूस करने का पावर है, तो वो आपको इन एवरी केस में आपको प्रोड्यूस करेगी, वो जो ड्रग है वो एवरी केस में अल्टरनेटिव एक्शन प्रोड्यूस करेगी करेगी, मतलब कुछ देर काम करेगी, एक्शन दिखाएगी, फिर नहीं, फिर दिखाएगी, फिर नहीं, ये एपिसोड में आपको मिलेगा। लेकिन हम बात करेंगे, सिम्टम प्रोड्यूस बाय सेकेंडरी एक्शन आर ऑब्जर्व इन लार्ज डोज, आपको जो सेकेंडरी एक्शन में जो सिम्टम्स मिलते हैं, जो रिएक्शन ऑफ वाइटल फोर्स हमको बताता है, उसमें जो सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं उसमें ऑब्जर्व किया गया है लार्ज डोज में, या बट इट विल नॉट बी ऑब्जर्व पर्टिकुलरली इफ डोज
ऑफ मेडिसिन आर स्मॉलर, ठीक है। तो सेकेंडरी एक्शन की बात कर रहे हैं, यदि आप लार्ज डोज देंगे तो आपको सिम्टम ऑब्जर्व होंगे, और स्मॉलर डोज देंगे तो सिम्टम्स आपको ऑब्जर्व नहीं होंगे, क्योंकि इसी के बेस पे बताया गया था सेकेंडरी काउंटर एक्शन जो है उसमें लार्ज डोज की बात करते हैं एंटीपैथी वाली, और जो हमने बताया सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन उसमें होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की बात करते हैं, स्मॉल डोज ऑफ मेडिसिन की बात करते हैं। इसलिए जब आप होम्योपैथी के लिए स्मॉल डोज ऑफ मेडिसिन की बात करते हैं तो उसमें रिएक्शन ऑफ वाइटल फोर्स होता है उतना नहीं होता है, और जो आपकी बॉडी में सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए बोला जाता है कि बॉडी में साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी एक्शन जब आप लार्ज डोज देंगे तो सेकेंडरी एक्शन में सिम्टम प्रोड्यूस होगा, लेकिन बट इट विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड पर्टिकुलर इफ डोज ऑफ मेडिसिन इज स्मॉलर। यदि मेडिसिन स्मॉलर होगी तो वो आपको ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन यहां बोल रहे हैं कि जो अल्टरनेटिव रिएक्शन प्रोड्यूस कर जो ड्रग है वो हमेशा एवरी केस में आपको अल्टरनेटिव रिएक्शन प्रोड्यूस करके देंगे। तो कुल मिला के ये 5 पॉइंट्स हैं जो डिफरेंस है अल्टरनेटिव एक्शन एंड प्राइमरी एक्शन के बीच में, जो शॉर्ट नोट्स में आपके एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। पास होना भी आपको जरूरी है एंड नॉलेज भी आपकी जरूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कंप्यूटर एग्जाम में बनते हैं। कंप्यूटर एग्जाम में आ सकता है कि अल्टरनेट रिएक्शन क्या है, टाइप ऑफ प्राइमरी एक्शन है, अल्टरनेट रिएक्शन में वाइटल फोर्स पे एक्शन होता है या मेडिसिन पे एक्शन होता है या रिएक्शन, तो ये आपको बताना पड़ेगा। वाइटल फोर्स पे एक्शन वाला पाथवे है, सेकेंडरी क्या है, वाइटल फोर्स के रिएक्शन वाला पाथवे। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाते हैं, जब तक आप डीप स्टडी नहीं करेंगे तो फ्यूचर में एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे कॉम्पिटेटिव वाले, और आपको जो बीएचएमएस का एग्जाम है वो तो आप इजीली पास कर पाएंगे वीडियोस देख के। आई थिंक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा, और इस प्रकार के और वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे जो ऐप है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी, वहां जा सकते हैं, ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां जाके आप फर्स्ट ईयर जो बीएचएमएस के बच्चे हैं वो मटेरियल मेडिका ऑर्गन ऑफ मेडिसिन फिजियोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं, सेकेंड ईयर के बच्चे जो हैं वो पैथोलॉजी जनरल पैथोलॉजी वन एंड ओनली जनरल पैथोलॉजी है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करें गायनेकोलॉजी थर्ड ईयर में क्लिनिकली बहुत जरूरी होती है कोई भी फीमेल डॉक्टर के लिए, वो आप कर सकते हैं, जो फीमेल डॉक्टर्स उनके लिए तो बहुत अच्छा है। और इसके अलावा मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए कोई भी न्यू बिगनर है उसको यदि स्टार्ट करना है मेडिसिन के बारे में, क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, तो वो बायोकेमिक मेडिसिन्स का यूज करके क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है, या प्रैक्टिस कर रहा है तो उसमें बायोकेमिक मेडिसिन्स का सपोर्ट लेके प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, अपने पेशेंट को इम्प्रूव कर सकता है, पेशेंट की जो कहना चाहिए क्या, जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो पेशेंट का फॉलोअप पे आना बहुत जरूरी होता है, फॉलोअप पे तभी आता है जब आप उसको रिजल्ट दे पाते हो। तो उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए आप मुझे 12 टिश्यू रेमेडी जो है वो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें लगभग लगभग 300 डिजीज के बारे में मैंने जो अपनी 15 साल की प्रैक्टिस में जो यूज किया है उसके बेस पे बनाया है। यदि आप उसको देख के अपने प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हैं तो वहां जाके आप उस कोर्स को ले लीजिए और अपने नॉलेज को अपडेट कर लीजिए।